हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रेडमी नोट 10 प्रो या प्रो मैक्स यूज़र हैं और आपको सेटिंग में देखने को मिला था अपडेट MIUI 13 का, ठीक है, और गलती से आपने उस अपडेट को कैंसिल कर दिया है, ठीक है, तो आप फिर से आप चाहते हैं कि फिर से वो अपडेट सेटिंग में शो हो, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ सेटिंग्स आपको करनी होगी तो वो अपडेट आपको फिर से शो होगा, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेटिंग में जाके अबाउट फोन में हम जाते हैं, तो यहाँ पर हमें अभी हमारा जो 12.5.10 स्टेबल वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है, और ये 11 एंड्रॉयड पे रन करता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपडेट का मेरा नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। MIUI 13.1.0 SKFINXM स्टेबल वर्जन है, 3 GB की फाइल है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें सिस्टम में मिलेगा एंड्रॉयड 12 और सिक्योरिटी पैच और कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, ये जो अपडेट था ये मैंने पहले कैंसिल कर दिया था, ठीक है। कैंसिल करने के बाद ये जो अपडेट था ये यहाँ से गायब हो गया था। देन उसके बाद मैंने फिर इसके अंदर ये कुछ सेटिंग की थी, तो ये फिर से मुझे अपडेट मिल चुका है। तो ठीक है, करना आपको कुछ नहीं है, सिंपली इस पर जाना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है, फिर सेटिंग्स पर जाना है। देन आपको ये जो मैंने अनेबल कर रखे हैं फीचर्स, ये सारे आपको वन बाय वन अनेबल कर लेने हैं, ठीक है। डाउनलोड ऑटोमेटिक, ठीक है, फिर इंस्टॉल ऑटोमेटिकली, देन रिसीव अपडेट अर्ली, ये इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीव अपडेट अर्ली पे आपको ये क्लिक करना है, इसको अनेबल कर लेना है, ठीक है। जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है, अपडेट का, तो वो आपको सबसे पहले आप ही को आपके डिवाइस पे शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप फ्रेंड्स, ये मेरे को फिर से मिल चुका है नोटिफिकेशन, ठीक है। तो क्योंकि मैंने सारी सेटिंग कर ली थी, ठीक है, तो मैंने अपने डिवाइस को रिस्टार्ट किया, कुछ दिन का वेट किया, तो ये दोबारा मुझको पॉपअप आ गया था, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अपडेटर के थ्रू मुझको अपडेट मिल गया था, अपडेट्स आर अवेलेबल वर्जन 13.1, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर तब भी आपको अपडेट नहीं मिलता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे इसकी जो इंडियन स्टेबल वर्जन का जो रोम है, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप सिंपली जाके वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉल करने की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।